बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास नाइन्थ, इट्स योर जूलॉजी टीचर एंड टुडे यू विल लर्न अ न्यू टॉपिक। सो नाउ यू विल लर्न अबाउट द बायोजेनेसिस एंड एबायोजेनेसिस। सो डियर स्टूडेंट्स, व्हाट इज एबायोजेनेसिस एंड व्हाट इज बायोजेनेसिस? सो व्हाट आर द कॉन्सेप्ट्स ऑफ एबायोजेनेसिस एंड बायोजेनेसिस? ए, एज यू ऑलरेडी नो दैट ए मीन्स विदाउट, ए मीन्स without, and biogenesis means life, it means life without life, or biogenesis means life comes from life. So what are the concepts of the biogenesis and abiogenesis? Okay, so पुराने ज़माने में, एंशंट ज़माने में ये बिलीव किया जाता था कि ये जो दोनों एनिमल्स और प्लांट्स हैं, ठीक है, ये किससे अराइज हुए हैं? क्ले से, ठीक है, यानी कि जो मट्टी होती है, क्ले, उससे जो है ये अराइज हुए हैं, ठीक है। और जो नॉन लिविंग मैटर, यानी कि जो दूसरे नॉन लिविंग मैटर्स हैं, ठीक है, तो वो जो है वो अपने प्री एग्जिस्टिंग पेरेंट्स जैसे ही जो है वो अपने क्या होते हैं, ओन काइंड के लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हैं। अब आप खुद सोचें कि क्या नॉन लिविंग से लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो सकते हैं? ठीक है, नहीं हो सकते। तो एबायोजेनेसिस में यही बताते थे साइंटिस्ट के लाइफ जो है वो नॉन लिविंग थिंग से ही आती है, किससे? नॉन लिविंग थिंग से आती है। और बायोजेनेसिस ये बताती है कि लाइफ जो है वो लाइफ से ही आती है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था एरिस्टोटल। एरिस्टोटल ये बिलीव करता था कि जो फिशेस, फ्रॉग्स और जितने भी एक्वेटिक इंसेक्ट्स हैं, ये सारे अचानक से आए हैं मड में से, ठीक है, किसमें से? मड में से। उसके बाद ये ओल्ड बिलीव था कि लिविंग थिंग्स जो हैं वो डेवलप होती हैं किससे? नॉन लिविंग थिंग्स से, और इसको हम बोलते हैं एबायोजेनेसिस। यानी कि एबायोजेनेसिस क्या है? लिविंग थिंग्स डेवलप फ्रॉम द नॉन लिविंग थिंग्स, इसको हम क्या बोलते हैं? एबायोजेनेसिस। और बायोजेनेसिस क्या है? कि लिविंग थिंग्स डेवलप फ्रॉम द लिविंग थिंग्स, ठीक है। अब ये जो प्रोडक्शन ऑफ लिविंग फ्रॉम द नॉन लिविंग, इसको क्या किया था? एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया था, ठीक है। अब एक इटालियन साइंटिस्ट था, ठीक है, कौन सा इटालियन साइंटिस्ट था जिसका नाम था रेडी, ठीक है, कौन सा साइंटिस्ट था ये? इटालियन था, इटालियन साइंटिस्ट था जिसका नाम था रेडी। इसने क्या किए थे? बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे और दिखाया था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो अपने जो है वो पेरेंट से ही आते हैं, ठीक है, यानी कि वो किसके हक में था? रेडी जो है वो बायोजेनेसिस के हक में था। और इसने क्या किया? निगलेक्ट किया किसको? ए बायोजेनेसिस को। निगलेक्ट का मतलब क्या होता है? कि रद्द कर दिया किसको? थ्योरी ऑफ ए बायोजेनेसिस को, क्योंकि ये किसके हक में था? ये था बायोजेनेसिस के हक में, ठीक है। ए बायोजेनेसिस के हक में कौन था? वो था एरिस्टोटल, ठीक है। एरिस्टोटल भी किसके हक में था? ए बायोजेनेसिस के में था। अब द व्यू दैट लिविंग बींग्स कैन ओनली डिवेलप फ्रॉम द लिविंग बींग्स इज कॉल्ड बायोजेनेसिस, यानी कि लिविंग थिंग सिर्फ किस में से ही डिवेलप हो सकती है? लिविंग थिंग से, तो इसको हम कहते हैं बायोजेनेसिस। अब हम डिस्कस करेंगे रेडी के कुछ एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। रेडी कौन था? एक साइंटिस्ट था, ठीक है, अब इटालियन साइंटिस्ट था। रेडी ने एक्सपेरिमेंट किए थे किस पे? बायोजेनेसिस पे। एबायोजेनेसिस के भी एक्सपेरिमेंट्स हम देखेंगे, लेकिन पहले हम देखेंगे किसके एक्सपेरिमेंट? बायोजेनेसिस के। अब रेडी ने क्या किया? कुछ डेड स्नेक्स लिए। क्या लिए इसने? इसने जो है वो कुछ डेड स्नेक्स लिए। फिर इसने क्या किया कि उन डेड स्नेक्स को जो है वो एक बॉक्स में रखा। किस में रखा? बॉक्स में रखा। अब इसने देखा, इसने नोटिस किया कि फ्लाइज जो है वो क्या हुई थी? गैदर हुई थी डेड स्नेक्स पे, ठीक है। हम जिस तरह हम कोई भी गंदी चीज़ रखते हैं तो उस पर मक्खियाँ बैठती हैं, तो इसी तरह जो है वो क्या बैठी थी? फ्लाइज बैठी थी किस पे? जो है वो स्नेक्स पे। 3 दिन के बाद इसने देखा तो मैगट्स जो है वो अपीयर हुए थे किस पे? उनकी बॉडीज पे। मैगट्स क्या थे? लार्वा थे जो है वो किसके? फ्लाइज के, मक्खियों के छोटे छोटे लार्वा को मैगट्स बोलते हैं। फिर इसने 18 दिन के बाद देखा तो ये मैगट ट्रांसफॉर्म हो गए थे प्यूपा में, ठीक है। हम हमेशा एक चीज़ पढ़ते आते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है ये जितने भी इंसेक्ट्स वगैरह हैं वो इस तरह डेवलप होते हैं। पहले वो ले करते हैं एग्स, एग में से डेवलप होता है उनका लार्वा, ठीक है। लार्वा कन्वर्ट होता है किस में? प्यूपा में। और प्यूपा कन्वर्ट होता है फाइनली एडल्ट, यानी कि अगर हम
फ्लाइज का एग्जांपल ले तो फ्लाइज ने क्या किए, पहले अंडे दिए, अंडे में से वो छोटे छोटे उनके लार्वा निकले, लार्वा किस में कन्वर्ट हुआ, प्यूपा में, प्यूपा फाइनली एडल्ट होकर बड़ी मक्खी बन जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे भी ये हुआ था कि इसने देखा कि 18 दिन बाद के ये प्यूपा में ट्रांसफ़र हुए, देन वो ट्रांसफ़र इसने क्या किया, प्यूपा को सेपरेट गिलास में रखा और उसको क्या कर दिया, कवर्ड कर दिया एक शीट से। ठीक है, तो 8 डेज के बाद देखा कि फ्लाइज जो है वो, यानी कि मक्खियाँ प्यूपा में से क्या हुई, जाहिर हुई, और ये सारी मक्खियाँ उन जैसी ही थी जो कि क्या कर रही थी, विजिट कर रही थी किस पे, जो है वो क्या नाम है इनका, जो इसने एक्सपेरिमेंट किया था स्नैक्स का। ठीक है, तो स्नैक्स पे जो घूम रही थी मक्खियाँ, ठीक है, उन जैसे ही क्या थी, ये सिमिलर मक्खियाँ थी। तो इस यहाँ से ये कंक्लूजन निकला कि मैगट जो है वो क्या है कि मैगट्स वर द ऑफ स्प्रिंग ऑफ फ्लाइज। मैगट्स किसके ऑफ स्प्रिंग थे, फ्लाइज के थे, यानी कि फ्लाइज ले एग ले किए थे डेड स्नैक पे, ये एग जो है वो मैगट्स में कन्वर्ट हुए, फिर प्यूपा में, फाइनली उनमें से क्या हुई, फ्लाइज इमर्ज आउट हुई। ठीक है, यानी कि देखें कि इसी जो है वो खुद ही जो है वो मतलब ऐसे ही मक्खियों में से मक्खियां नहीं हुई, बल्कि मक्खियां जो बैठी थी स्नैक पे उन्होंने ही अंडे दिए थे, तो उन मक्खियों में से क्या हुआ, न्यू मक्खियां जो है वो बन गई। लेकिन प्रोसेस क्या हुआ, पहले एग के बाद क्या था, लार्वा इमेच्योर क्रिएशन होती है। ठीक है, फिर उसके बाद वो रेस्टिंग स्टेज में चला जाता है जिसको हम बोलते हैं प्यूपा, फाइनली वो कन्वर्ट हुआ था एडल्ट फ्लाइज में। जिस तरह हमारा एग्जांपल ले लें, हम में क्या होता है कि जो है एक बेबी होता है, ठीक है, तो बेबी पहले जायगोट होता है, जायगोट में चेंजेस आती हैं, तो वो जायगोट कन्वर्ट होता है किस में, जो है एम्ब्रियो में, फिर फ्यूटस, फिर जाकर वो बेबी बनता है, फिर बेबी जाकर बड़ा बेबी एडल्ट हो जाता है। तो इनमें भी, फ्लाइज में भी ये पूरा प्रोसेस हुआ है, बल्कि सारे इंसेक्ट्स में ये प्रोसेस होता है। फ्लाइज क्या है, वो भी एक इंसेक्ट है। रेडी ने दूसरा एक्सपेरिमेंट भी किया था, इसने क्या किए थे कि 8 बोटल्स ली, कितनी, 8 पूरी बोटल्स ली रेडी ने। ठीक है, उसमें क्या किए, इसने डेड स्नैक जो है वो 2 में रखे, ठीक है, दूसरियों में जो है वो क्या रखा, मीट रखा, गोश्त रखा, ठीक है, और दूसरी 2 में क्या करे किए, डेड फिशेस रखी, ठीक है, अदर बोतल में। अब इसने क्या किया, 4 बोतल को क्लोज रखा, 4 बोतल्स को कवर्ड, सारी बोतलों में एक में वो, फिर एक हर एक की एक एक बोतल को कवर किया, एक को कवर नहीं किया। अब इसने देखा कि मैगट्स अपीयर हुए ओपन बोतल्स पे सिर्फ, ठीक है, जो क्लोज बोतल थी, कवर्ड बोतल थी, उन पे मैगट अपीयर नहीं हुए, तो उनमें से फ्लाइज भी इमर्ज जो है वो नहीं हुई, क्योंकि मैगट जो है वो बोतल में से, यानी कि फ्लाइज जो है वो प्रिवेंटेड की गई थी बोतल में से कि बोतल में ना जाए, क्योंकि उस बोतल के ऊपर क्या किया गया था, ढक्कन जो है वो दिया गया था, यानी कि देखे जिन बोतल्स पे ढक्कन दिया गया था उन पे जो है वो मैगट्स अपीयर नहीं हुए थे। ये देखिए, ये है वो 8 बोतल्स, ठीक है, ये है 4 कवर्ड्स और ये है 4 ओपन बोतल्स, ठीक है, ओपन बोतल्स पे भी फ्लाइज बैठी हैं और क्लोज बोतल जो है वो उन पे नहीं है बैठी, और उनमें ये क्या क्या रखा गया है। अब कुछ वर्कर जो है वो, उन्होंने क्या किया, इसके एक्सपेरिमेंट को क्रिटिसाइज किया और उन्होंने कहा कि जो है वो मैगट्स मतलब जो है वो कवर्ड बोटल्स पे इसलिए नहीं बैठे क्योंकि हवा एंटर नहीं हुई। ये नहीं कहा कि मक्खियाँ अंदर नहीं हुई, बल्कि उन्होंने कहा कि यानी कि एयर भी क्या है, नॉन लिविंग थिंग है, तो उन्होंने ये कहा कि नॉन लिविंग थिंग जो एयर है वो एंटर नहीं हुई, तभी जो है वो यहाँ पे मैगट्स जो है वो अपीयर नहीं हुए। यानी कि क्या किया उन साइंटिस्ट ने, एबायोजेनेसिस को करेक्ट किया। तो रेडी ने इसको भी प्रूव करने के लिए एक तीसरा एक्सपेरिमेंट किया था, ठीक है। सम वर्कर्स हाउएवर क्रिटिसाइज द एक्सपेरिमेंट, क्या किया था, इस एक्सपेरिमेंट को क्रिटिसाइज किया और कहा कि मैगट इसलिए अपीयर हुए हैं, मतलब फेल्ड क्लोज बोटल्स में, क्योंकि एयर जो है वो नहीं है इंटर हुई, जो कि मतलब जो है वो एबायोजेनेसिस का मतलब लाइफ के लिए क्या ज़रूरी होती है, एयर ज़रूरी होती है। अब इसको टेस्ट करने के लिए रेडी ने क्या किया था, एक थर्ड एक्सपेरिमेंट किया था। थर्ड एक्सपेरिमेंट में रेडी ने क्या किया, ये देखें, अब उसने क्या किया, पीस ऑफ मीट पुट किया एक बोतल में, और उस बोतल का माउथ जो है वो कवर्ड किया किस से, एक गैस से, ठीक है। गैस क्या होता है, गैस से क्या किया, उसको कवर्ड कर दिया, यानी कि एयर भी, अब जाहिर बात है नेट से एयर इंटर जाएगी, तो एयर फिर भी इंटर हो रही थी,
ठीक है, और फ्लाई जो है वो आउट ही रही, यानी कि ये देखिए एयर अंदर जा रही है, मक्खियाँ अंदर नहीं गई, ठीक है। तो फिर भी क्या हुआ कि जो है वो अगेन नो मैगट्स अपीयर ऑन द पीस ऑफ मीट, मीट पे क्या फ्लाइज जो है वो अपीयर नहीं, मतलब जो है वो मैगट जो लार्वा थे फ्लाइज के वो अपीयर नहीं हुए, ठीक है। बहुत दिन बाद ये क्या किया इसने जो है, आफ्टर मैनी डेज इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट एंट्री ऑफ द एयर वॉज पॉसिबल, हालांकि एयर अंदर जा रही थी फिर भी मैगट जो है वो अपीयर नहीं हुए। अब इस एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव हुआ, सपोर्ट किया कि लिविंग थिंग जो है वो सिर्फ अराइज होती है किससे, लिविंग बींग से, ठीक है। यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ जो बायोजेनेसिस है ये करेक्ट गया कि ए बायोजेनेसिस क्या है, रॉन्ग है। लेकिन ए बायोजेनेसिस के लिए फिर भी एक दूसरे साइंटिस्ट आए जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, ये एक्सपेरिमेंट चलते रहे, हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में ये डिस्कस करेंगे, नीदहम्स एक्सपेरिमेंट, ठीक है। नाउ अब आपका होमवर्क ये है कि आपने इस पूरे लेक्चर को क्या करना है, इसके नोट्स बनाकर और जो है इस बॉटल्स की भी और मुझे सेंड करनी है व्हाट्सएप पे। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।